गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं 11th और 12th की इंग्लिश ग्रामर का थर्ड चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड पार्ट यूज़ ऑफ एडवर्ब टू पढ़ाने जा रहा हूँ। एडवर्ब टू का प्रयोग टू को हटाने की विपरीत प्रक्रिया है, अतः सो और एडवर्ब क्लास को हटाकर एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करके निम्नलिखित रूप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। एग्जांपल्स है, पहला है अमित इज सो वाइज दैट ही कैन नॉट बी डिसीव्ड। आंसर हुआ इसका, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, इसका आंसर सिंपल सेंटेंस में अमित इज टू वाइज टू बी डिसीव्ड। दूसरा एग्जांपल है द न्यूज़ वाज सो गुड दैट इट कुड नॉट बी ट्रू। तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसका सिंपल सेंटेंस द न्यूज़ वाज टू गुड टू बी ट्रू। तीसरा एग्जांपल है द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसका सिंपल सेंटेंस है। अरे इसके तीन क्वेश्चन हैं, उसका आंसर एक ही है। और करके द क्लास इज एक्सेसिवली नॉइजी, और करके द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, फिर और करके द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन, इसका आंसर हुआ द क्लास इज टू नॉइजी। चारों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। चौथा द मैन वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट वर्क प्रॉपरली, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसका सिंपल सेंटेंस में आंसर हुआ द मैन वॉज टू ओल्ड टू वर्क प्रॉपरली। पांचवा एग्जांपल है ब्रूकर टी वाशिंगटन वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक एनी लॉन्गर, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसका सिंपल सेंटेंस में आंसर हुआ ब्रूकर टी वाशिंगटन वॉज टू टायर्ड टू वॉक एनी लॉन्गर। इसमें जो हमने पढ़ाया है 11th और 12th के स्टूडेंट अपने ग्रामर की फेयर